मुश्किलों से डरा, तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है। Success is often not a loud event. It's those silent walks to the gym every single day. Ain't no elevator to the top. You got to take the stairs. The elevator don't go to the top. आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ। क्या कर रहे हैं यार तू? अरे यार, अरे आप आए, मतलब अच्छा लगा। मैं बस मोटिवेशन देख रहा था, थोड़ा मतलब मोटिवेट हो जाता है ना बंदा, माइंड क्लियर हो जाता है करना क्या है आगे। अबे उस दिन मैंने भी तो दिया था तुझे आइडिया, भी दिया था प्लान, भी दिया था उसके बाद क्या करना है वो भी दिया था, वो कहाँ तक पहुँचा? अरे उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया, मैं सही कह रहा हूँ, प्रोग्रेस में है और 2-3-4 दिन में पूरा हो जाएगा, आप चिंता मुक्त रहो। ये बात तूने पिछले हफ्ते भी कही थी। 3-2-1 अरे भैया आपने बताया ही नहीं इसके बाद करना क्या है। अरे भैया आज ये ठीक नहीं है, मैं नहीं आया लोगों। अरे भैया इधर आओ मैं आपको बताऊं। ये देखो ऐसा कुछ होना चाहिए आइडिया जिससे पैसा ही पैसा बने। कल करते। नहीं 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 भैया, मेरे को इस प्लान में ही लोचे लग रहे हैं। आप इसके जैसा मत बनना। वैसे इन दोनों को करना क्या था, प्लान क्या था, आइडिया क्या था, उसकी पूरी कहानी क्या थी 2 दिन पहले? तो एंटरप्रेन्योर की ना कुछ खास नसें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि एंटरप्रेन्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। उन सारी ही नसों को हम पकड़ेंगे ही नहीं बल्कि जिएंगे इस वीडियो में। पहली नस आती है आइडिया। एक एंटरप्रेन्योर कैसे आइडिया पे काम करता है और एक एंटरप्रेन्योर कैसे करता है, आइए जानते हैं। आइडिया क्या बनाऊं? एक काम करता हूं, बाहर जाता हूं और देखता हूं क्या चल रहा है मार्केट में। मैं तो यहां बैठ के रिसर्च करूंगा ऑनलाइन बिजनेस पे। अरे वाईफाई का पासवर्ड दियो, 50069। बात तो इसकी भी सही है, ऑनलाइन रिसर्च भी जरूरी है। खैर आके देखता हूं। भाई एक आइडिया मिल गया। बेटा उड़ो मत, मेरे को भी मिल गया। अब हट जरा, मुझे अपने आइडिया पे रिसर्च करने दे। कर ले, पर मैंने जो आइडिया सोचा है वो एकदम $1 बिलियन वाला है, तो जरा रिसर्च जो है ना अच्छे से करना, कंपटीशन ऐसे नहीं होता। आओ। एक बेस्ट आइडिया ढूंढने के लिए 3 अप्रोचेस हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इमेजिनेट, ऑब्जर्वेट और देन इनोवेट, जिससे आप बेहतर आइडियाज ही नहीं बल्कि एक यूनिक अप्रोच भी मिलती है आपके कॉम्पिटिटर्स को। वो महाभारत का डायलॉग तो याद है ना, मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। खैर आइडियाज तो अब हो गए, अब बारी है बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी बनाने की और अगले स्टेप पे जाने की। वो कैसे ये दोनों करते हैं, आओ जाने। घंटों की रिसर्च, पीठ की रेड़ और बिजनेस केस स्टडीज देखने के बाद एक प्लान तो तैयार हुआ। घंटा रिसर्च, पीठ को आराम दो और बिजनेस स्टडीज तो ठीक है, लेकिन मोटिवेशन इज अ की मेरे बच्चे। ठीक है ये कर ले, उसके बाद देख लूंगा मैं भी प्लान। प्लान के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने आइडिया के 4 P's के ऊपर, यानी कि प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, जिसको ऑलरेडी आप टूल्स की मदद से कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये भी बताया था कि हम अपने वीडियोस के टॉपिक कैसे रिसर्च करते हैं और हर एक कंटेंट क्रिएटर कैसे रिसर्च चालू करता है अपने आइडिया की, अपने कंटेंट की और अपने बिजनेस की, तो वो जरूर देखना। खैर आप जितना ही इनोवेट करेंगे अपनी रिसर्च को उतना ही आप आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ। अब बारी है MVP क्रिएट करने की, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। देखो नो डाउट MVP बनाने में टाइम लगेगा और बहुत से लोग यहीं पॉइंट पे आके छोड़ भी देते हैं अपने स्टार्टअप ड्रीम्स को, लेकिन पहले पता होना चाहिए ना कि MVP कैसे बनाया जाए और कैसे इसे बिगिनर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि आप अपने आइडियाज को पब्लिकली टेस्ट तो कर सके। इनके पास भी आइडिया है, काम करेगा कि नहीं, कैसे MVP बनाते हैं चलो देखें। MVP बनाने के मेरे पास तो यार 4 ऑप्शंस हैं। क्या तो मैं फ्रीलांसर से बनवा लूं, लेकिन यार फ्रीलांसर भी तो पैसे लेगा। छोड़ो, प्रोटोटाइप बना लूं। प्रोटोटाइप को लिंक प्रोवाइड करके और एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना के लिंक डाल दूंगा और उसके बाद प्रोडक्ट हंट पे तो टेस्ट हो ही जाएगा आइडिया। अरे हाँ AI भी तो है। ओ
अरे बिजी भाई ने एक AI से कैसे वेबसाइट बनाया अपनी ड्राइंग की मदद से, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको देख लेता हूँ। MVP है यार, बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरा दोस्त है उसके भैया ये काम करते हैं। MVP क्या, वो तो सीधा सर्विस खड़ी कर देंगे और उस सर्विस को 2-3 इंटर्न रख के काम को अपन आगे बढ़ाएंगे मस्त। जल्दी से कॉल कर लेता हूँ। प्रोटोटाइप तो रेडी हो गया। आप प्रोटोटाइप्स को कभी मजाक में ले ही नहीं सकते। कैनवा ने अपने सिर्फ वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप्स दिखा के अपनी पहली फंडिंग को ले लिया था। तो प्रोटोटाइप वेबसाइट या नो कोड टूल्स की मदद से आप ये काम आज कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है, ये टूल्स जो है, वो सिर्फ सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाए गए हैं जो अपना MVP बिना किसी परेशानी के बना सके। एग्जाम्पल के तौर पे विक्स, वेब फ्लो, स्क्वायर स्पेस, ये नो कोड टूल्स हैं जो कि सोलो एंटरप्रेन्योर्स को दिमाग में रख के बनाए गए हैं। और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से अपने वेबसाइट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे MVP बना के आप टेस्ट आउट कर सकते हैं अपने आइडिया को। और अगर वेब ऐप बनानी हो तो आप Bubble.io का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वेबसाइट के अंदर ही आप ऐप बना सकते हैं। अरे अरे सुन भाई, तेरे भैया काम करेंगे कि नहीं करेंगे हैं? फिर मैं कुछ अपने आप करूं? हाँ, जैसी रेडी होता मुझे तुरंत कॉल कर, तुरंत। हाँ रख, ये फंसेगा मैं कह रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो वो सोचेंगे वो करना वो चालू कर देंगे, और चीजें उनके पास नहीं, वो चीजों के पास जाते हैं। अब हमारा MVP भी बन गया। टेस्टिंग के लिए हमने पब्लिक में उसके लिंक को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन लिंक पर लोग आएंगे कैसे? उसके लिए हम गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाओ, एक या दो क्वालिटी कंटेंट जरूर बना लिया करें अपने प्रोडक्ट का, जिससे लोग समझें कि ये चीज है क्या आखिर जो एड में दिख रही है। आप उस लिंक को अपने कंटेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक हिंट दूं, आप अगर प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोमो या एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हो ना, तो कोशिश करना कि वो फंजुकेट कंटेंट हो, यानी मजे मजे के साथ ही एक्सप्लेनेशन हो जाए। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका एग्जांपल कैसे हो सकते हैं मैंने वीडियो दी हुई है। खैर, हो सकता है आपका MVP में काम ना बने, या सब कुछ करने के बावजूद आपके पास कुछ ना हो, तो उसके बाद क्या किया जाए? आओ एग्जांपल देखें। अरे यार, ज्यादा लोगों ने देख के छोड़ ही दिया, अब क्या करूं, पैसे भी लग गए एड में। अरे यार, एक काम करता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, एजुकेट कंटेंट बनाता हूँ इंस्टा और यूट्यूब पे, जिससे ट्रैफिक और एक कम्युनिटी बन जाए और प्रोडक्ट को भी एक पहचान मिलने लगेगी। हाँ, ब्रांडिंग है you know? और इस बात का एक और प्रूफ है अश्नीर ग्रोवर। एंड एक चीज बता दूं, ये जो जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। सी, आई थिंक in today's time you have an opportunity of creating a personal brand, opportunity of creating a personal brand, personal brand, personal brand. Bhai, tera phone kyun nahi aa raha, kab banayega? Aise karte hain kya? Kuch bhi ho jaye, mujhe kal tak ye website chahiye, samjha? Advance le liya, sala free ka paisa samajh rakha hai inhone. Bekar hai bhaiya, main to toot gaya. Thoda time baat karta hu, ek team bana ke अच्छे से जरा थोड़े दिन में चालू करता हूँ, इसे हिसाब बनाना पड़ेगा। शायद आइडिया, प्लान, फंडिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हार और जीत का अंतर तय कर देती है एक वॉन्टरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच में, वो है टीम। तो टीम कैसे बनाई जाए? बात साफ है दोस्तों, बिना पैसों के या कम से कम पैसों में आपके साथ काम करेंगे लोग, शायद हाँ, लेकिन बहुत देर तक नहीं। और अगर वो फ्री है या इंटर्न है, तो वो पूरी तरीके से स्पेशलिस्ट भी नहीं होंगे, और उनपे आपको अपना टाइम खर्चना पड़ेगा उनको ट्रेन करने के लिए। लेकिन फिर भी इंटर्न एक बेस्ट सिचुएशन है इस टाइम पे जब आप स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन इंटर्न और एम्प्लॉयज को चूज करना एक टास्क है भाई, और जिनको मैनेज करना और बड़ा टास्क। आओ देखें ये लोग कैसे करते हैं। नहीं देखो अजय, आप वैसे काम तो बढ़िया कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे कर दोगे ना, ऊपर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उसमें काम बन जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे या तो 3 घंटे में भेज दो, और अगर आप 2 घंटे में भेजोगे तो आपको एक पर्क्स और रिवॉर्ड देखिए। चलिए रखिए, ठीक। अबे ऐसे करेगा काम, क्या गुंडा बनेगा रे तू। देख, मानता हूँ कि तूने मेहनत करी है, बहुत बढ़िया करी है, तुझे अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट माय फ्रेंड, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो तेजी से निकल जाएगी तुझसे, और अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझसे भी, ठीक है? तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके काम करके दो यार, फटाफट, ऐसा मत करो।
ठीक है ना। खैर ये भी एक नस है वॉन्टरप्रेन्योर की, पहचान की। दोनों काम करेंगे अपना, लेकिन फर्क इतना है कि एक काम करेगा और दूसरा उसके बारे में सोचेगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। तो क्या किया जाए वॉन्टरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? पहला, खुद को रखो साइड में और खुद के रखो अपने पास, यानी लोग। शिकायत होगी दूर तो गिराए जाएंगे फूल। हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं एंटरप्रेन्योर कहते हैं मेरे दोस्त। महान कवि कह गए, बच्चा काबिल बनो काबिल। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। शॉर्टकट्स और पेशेंस में एक खास बात है, दोनों में ही 8 शब्द हैं, तो पेशेंस लेने में क्या जाता है? गाड़ी खुद चलाओगे तो कॉन्फिडेंस बना रहता है, किसी और के हाथ में जब आती है तो डर बना रहता है, समझे? नहीं, अरे खुद पे ध्यान दो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। वैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी शेरो शायरी से कमेंट बॉक्स में, उसके साथ साथ लेट वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने सोशल मीडिया बिजनेस बनाया AI की मदद से, और वहीं राइट वाली वीडियो में ड्रॉइंग्स की मदद से कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।